मेरे पीछे ये कोई नज़ारा नाली का नहीं है बल्कि दिल्ली की यमुना बह रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना की मैली पानी जिससे लगातार बदबू आ रहा है, और ये सवाल सरकार पर है कि आखिर यमुना को कब साफ किया जाएगा। दिल्ली सरकार का दावा था कि बहती हुई यमुना में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद ये वादा किया था जब सरकार बनने वाली थी तब, कि यमुना को वो साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे और उसमें खुद डुबकी लगाएंगे। बहरहाल तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं इससे साफ जाहिर होता है कि जो सरकार की नाकामी है उसका जीता जागता उदाहरण यमुना जो अभी बह रही है। नाले की तरह पानी काली हो गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार है। ये गंदगी दर्शाता है कि स्वच्छ भारत अभियान का भले ही सरकार दावा कर रही है, यमुना को स्वच्छ करने का दावा किया गया था, लेकिन आखिर क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। दिल्ली में हर बार जब छठ होती है तो भारतीय जनता पार्टी एवं आम आदमी पार्टी आमने सामने हो जाती है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती है कि आम आदमी पार्टी सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी है। पूर्वांचल की माता बहनें जो छठ करती हैं वो इसी यमुना में डुबकी लगाती है। जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जो झाग है वो बह रही है, और सरकार के लाख कोशिशों के बाद वजूद यमुना का यही दृश्य है। आपको अपने दाहिने तरफ दिखाता हूँ कि प्रति वर्ष यहीं पे छठ होता है। ये छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश के तरफ से ये घाट बना हुआ है, और अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक यमुना मैली रहेगी। बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली यमुना के तट पर बसी है और इतिहास में जिसका जिक्र है, लेकिन अब सवाल यही है कि यमुना मैली पड़ी है, कूड़ों का अंबार है और यहाँ पे लावारिस पशु लगातार घूमते रहते हैं। इस यमुना की अगर हम बात करें तो सरकार की तमाम परियोजनाओं की जो रूपरेखा तैयार की गई थी इसे साफ करने के लिए, लेकिन धरातल पर आकर ये खोखले वादे दिखते हैं। आखिर कब तक यमुना ऐसी ही गंदी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना को स्वच्छ करने की बात करते थे, केंद्र की मोदी सरकार भी नमामि गंगे योजना चला रही थी, लेकिन यमुना मैली है। जब राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो और भी राज्यों का क्या हाल होगा, इस पर सोचने की ज़रूरत है। सरकार लाख वादे करती है, लाख दावे करती है, हर बार इस पर सियासत होती है, लेकिन वो सिर्फ सियासत के भेंट चढ़कर रह जाती है। जो यमुना का सूरत हाल बदलने की सरकार की जो कोशिश थी वो धरातल पर धाराशाही दिखती है। लाख कोशिशों के बावजूद आमने सामने पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन यमुना कब स्वच्छ होगी, कब लोग यमुना में डुबकी लगाएंगे, यमुना रिवर फ्रंट कब तैयार होगा, क्या इसीलिए देश के राजधानी दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार ने एक तोहफा देने की बात कही थी कि यमुना को स्वच्छ किया जाएगा, इसमें डुबकी लोग लगाएंगे, रिवर फ्रंट बनेगा, यहाँ पर लोग सैर सपाटे करने आएंगे। लेकिन आज जो यमुना की तस्वीर है ये बेहद ही दर्दनाक है। यमुना मैली हो गई है और सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण यमुना में बहती ये काले रंग की पानी है। कोई नाले की पानी नहीं है बल्कि ये दिल्ली की यमुना है। सवाल यही उठता है कि आखिर कब इस पर सरकार संज्ञान लेती है और कब यमुना को स्वच्छ किया जाता है।